रक्तदान महादान। प्रिय मित्रों, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है। यह एक बहुत ही नेक कार्य है, परंतु फिर भी हम में से बहुत कम लोग ही आगे आकर रक्तदान अर्थात ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेते हैं। कई कई भ्रांतियां लोगों के मन में चलती हैं, जैसे रक्तदान से शरीर कमजोर हो जाता है। मैं इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रक्तदान से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है, अपितु हमारे शरीर में फ्रेश ब्लड बन जाता है। लोगों का मान्यता है कि सिर दर्द होता है, तनाव होता है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब नया शरीर में खून बनता है तो रोग से लड़ने की क्षमता में भी कोई कमी नहीं आती है और आपका शरीर पहले ऐसा ही स्वस्थ रहता है। उसके अलावा तकलीफदेह प्रक्रिया है, पर ऐसा भी नहीं है। केवल ब्लड निडी लगा के ब्लड लिया जाता है और उसका दर्द एक या दो दिन में ठीक हो जाता है। और यदि आप डॉक्टर के अनुसार रक्तदान के बाद में खाना पीना और रेस्ट करेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। वे सभी जो 16 से 60 ईयर्स की एज ग्रुप के हैं, स्वस्थ हैं और जिन्हें हेपेटाइटिस बी या सी या HIV के इन्फेक्शन नहीं, वो रक्त दे सकते हैं। एक बार में 350 ml ब्लड लिया जाता है, जो हमारे 24 घंटे में इतना ब्लड वापस बन जाता है और 3 वीक्स में उसकी गुणवत्ता भी पूरी पहले जैसी हो जाती है। तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। और एक और भ्रांति है कि बार बार रक्त एक बार से ज़्यादा नहीं दे सकते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम हर व्यक्ति प्रति वर्ष 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि 3 महीने में पूरा ब्लड रिफॉर्म हो जाता है। तो कई बार आप रक्त डोनेट कर सकते हैं। इसको करने से आप देखिए हर बार कई व्यक्तियों की जान बचती है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान में हिस्सा लें, क्योंकि आपके इस महादान से बहुत से व्यक्तियों की ज़िंदगी बचने वाली है।